कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो मेरे पास आए और आने के बाद मुझसे बोले कि आपको भाषण देना है। मैंने उनसे कहा कि नहीं, इतने सीनियर्स हैं तो मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है। तो बोले नहीं, आपको बोलना है, आपके तकरीर से, आपके भाषण से बहुत जोश पैदा हो जाता है, तो इसलिए आपको जरूर बोलना है। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा मैंने तकरीर करूंगा मैं। तो मैंने जब तकरीर की तो मेरे हर लफ्ज पर, मेरे हर जुमले पर क्लैपिंग हो रही थी और पूरा पिंडाल जो है वो तालियों से गूंज रहा था। और मैंने उसमें बोला ये कि नेताजी, आप अगर दिल हैं उत्तर प्रदेश का तो आपकी धड़कन का नाम अखिलेश यादव है, आप अगर फूल हैं तो इसकी खुशबू का नाम अखिलेश यादव है, आप धरातल हैं तो इसकी चौड़ाई का नाम अखिलेश यादव है, आप समंदर हैं तो इसकी गहराई का नाम अखिलेश यादव है, आप चांद हैं तो इसकी चांदनी का नाम अखिलेश यादव है, आप समाजवादी पार्टी का अगर होश है तो अखिलेश यादव इसका जोश है। मैंने ये बोला था और मैंने बोला था कि जनता हमारे साथ है, 100 बार बनेगी, यूपी में फिर अखिलेश की सरकार बनेगी। तो क्लैपिंग हो रही थी, तूफान से मच रहा था। मैं अभी आगे उनके लिए भी बोलता, शायद उनको ये एहसास हुआ होगा कि मैं पूरी जितनी तकरीर की है, मैंने अभी उनका कोई नाम नहीं आया, तो वो एक बिल्कुल आंधी और तूफान की तरह मेरे ऊपर आके मुख्यमंत्री जी सवार हो गए। चाचा से मेरे 4 साल से तो इतने ताल्लुकात हैं, मेरे पड़ोसी हैं, पड़ोसी का हक कहते हैं घर वालों से भी ज्यादा हक होता है, और बहुत अच्छे पड़ोसी साबित हुए वो, मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं भी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन मुझे मेरी समझ में नहीं आया उन्हें क्या हुआ। मैं कल जरूर उनसे टेलीफोन पर या जाकर पूछूंगा कि आखिर उनके दिमाग पे क्या सवार हुआ कि जो उन्होंने अचानक ऐसा किया। बाद में मुझे शिवपाल जी मिले, जब हम स्टेयर से उतर रहे थे डाइस से, तो वो शर्मिंदगी थी उनकी आंखों में और मुझे उन्होंने इस तरह से हाथ करके सॉरी बोला, तो मैं समझता हूँ कि शायद उन्हें एहसास था।